तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेटा जो क्लास में नहीं थे या जिनका नेटवर्क इशू था वो नहीं समझ पाया, तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक शॉर्ट समरी देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा भाई? ऐसा रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में चलता हो, ऐसा रिएक्शन जो कहाँ चले? बोथ डायरेक्शन में। मतलब उसमें क्या हो, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट ऑल्सो चेंज इन टू रिएक्टेंट। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? रिवर्सिबल। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन अगर क्लोज कंटेनर में हो रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो रहा है? क्लोज्ड कंटेनर में। रिएक्शन किसमें हो रहा है? क्लोज्ड कंटेनर में हो रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट अगेन चेंज हो रहा है रिएक्टेंट में। लेकिन कुछ देर के बाद रिएक्टेंट का अमाउंट मान लेते हैं 1 kg है और प्रोडक्ट का अमाउंट 2 kg है। तो 1 घंटे में यही अमाउंट था, 2 घंटे के बाद रिएक्शन को चेक किए तो भी रिएक्टेंट 1 kg, प्रोडक्ट 2 kg। 3 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं तब भी रिएक्टेंट 1 kg है, प्रोडक्ट 2 kg है। मतलब ना ही रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज हो रहा है ना ही प्रोडक्ट का। अब जरूरी नहीं है भाई कि ये कम हो ये ज्यादा हो, उल्टा भी हो सकता है। 1 आवर में ये 2 kg है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है 1 kg। 2 घंटे में ये 2 kg है, ये फिर से वैसे ही 1 kg। 3 घंटा टाइम हो गया है, ये 2 kg है, ये 1 kg है, ठीक है ना। ये भी केस हो सकता है भाई। सेकेंड केस ये भी हो सकता है। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि दोनों के अमाउंट सेम हो, 1 घंटे में दोनों 1 1 kg थे, 2 घंटे के बाद भी दोनों 1 1 kg हैं। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है भाई? जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो क्लोज कंटेनर में और कुछ टाइम इंटरवल के बाद इनके अमाउंट में चेंज नहीं हो रहा है। 1 1 1 kg था 1 घंटे में, 2 घंटे में रिएक्शन हो, 3 घंटे के बाद देखें, 3 साल बाद आके देख रहे हैं, ठीक ना, 3 जन्म के बाद आके देख रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो रिएक्टर में प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब इस कंडीशन को ये क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। तब इससे क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब क्या है? रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट दोनों सेम भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा भी हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा हो सकता है। यही कैसे ना भाई, एक केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। इसका मतलब ये नहीं इक्विलिब्रियम में तो दोनों सेम होंगे। क्लियर है बच्चा? तो ये था इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट चेंज हो रहा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट चेंज हो रहा रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन होना चाहिए रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन में। और वो कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज। तो कुछ समय के बाद अगर इस टाइप का ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, तब उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ऐसा ही कुछ बताया था बच्चा प्रीवियस लेक्चर में। तो ये था भैया इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, लेकिन ना रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज हो रहा है ना ही प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज हो रहा है। चाहे रिएक्टेंट कम हो सकता है प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम, या दोनों सेम सेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट कांस्टेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तभी सिस्टेंस को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वही प्रॉपर्टीज को आज अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो ग्राफिकल क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या था भाई? रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे, इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं भाई? पहला, ये कौन से रिएक्शन में मिलेगा? रिवर्सिबल कौन से रिएक्शन मिलेगा? रिवर्सिबल में। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या था बच्चा लोग? डायनामिक स्टेट डायनेमिक, मतलब ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन को नहीं जाएगा, हमेशा चलते रहता है, चलते रहता है। बच्चा यादव का फैन है, चल रहा है चल रहा है, सुने हो ना, कपिल शर्मा तो देखते ही होंगे, यस सर। चल रहा है बस ये, ठीक है, डायनेमिक नेचर का होगा। उसके बाद नो कैटलिस्ट नेवर कंप्लीशन, ठीक है ना, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तुम 2 जन्म ले लो, 7 जन्म ले लो, ठीक है ना, 1000 जन्म के पास भी अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, तो वो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। ये नेवर कंप्लीशन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट नॉट ऑब्जर्व, इसे मैं क्रॉस कर लेता हूं से, ठीक है। अब एक टर्म्स इंट्रोड्यूस किया था, आरएफ और आरबी, दोनों सेम होता है। आरएफ क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। आरबी क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट क्या बताता है, एक तरह का ये वेलोसिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, वेलोसिटी। किसका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, वेलोसिटी टू चेंज, कहां से, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और ये क्या बताता है, आरबी, वेलोसिटी टू चेंज प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है ना। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन के लिए बड़ा ब्रैकेट ऐसे यूज होता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ये क्राइटेरिया होता है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉन्स्टेंट, कौन सा क्राइटेरिया सही होता है, फर्स्ट वाला क्राइटेरिया सही होता है या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, गलत, सेकंड वाला। अभी तो कुछ से पहले बताया, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्स्टेंट रहता है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट, चाहे ये दोनों सेम हो सकते हैं या एक ज्यादा एक कम हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट होगा। ये लास्ट वाला दो पॉइंट अच्छे से याद रखना भाई। तो ग्राफ डिस्कस करते हैं अब हम लोग, तो ये था इंट्रो, ठीक है, मतलब जो था कल क्लास में एक शॉर्ट समरी था, और जो नहीं अटेंड किया पाया उनके लिए इंट्रो था। तो हेडिंग नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लॉजिकल अप्रोच है, रटना नहीं है, समझना है इसको, ग्राफ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता, तो हम लोग ग्राफ दो देखेंगे भाई, टाइम के साथ, केस वन, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है ना, इसके अंदर भी अलग अलग है भाई, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्सिस, और ये एक्सिस कंसंट्रेशन को। तो ये जो बता रहा है, रिप्रेजेंट बना देते हैं पहले, अच्छा ग्राफ के बाजू में थोड़ा सा स्पेस रखना, ठीक है ना भाई, कुछ दो चार बातें नोट करेंगे ताकि सब क्लियर होगा कि इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो टाइम इधर थोड़ा सा स्पेस रखना, ये कंसंट्रेशन का, ये आप
आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको मैं पीडीटी ब्रैकेट इस तरह से शो करूंगा। ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिस आर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये आपका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। पहला है प्रोडक्ट, और यह रिएक्टेंट। तो इनमें से बताओ, तीनों में से कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी सी, ए इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे ये बताओ। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए भाई? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चाहे या प्रोडक्ट का, दोनों कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, ये अगर ये टाइम की बात करता हूं मैं, इस टाइम के बाद इधर कोई चेंज दिख रहा है क्या कॉन्सेंट्रेशन में? नो सर। सेम पहले चले, मतलब इसका अमाउंट जितना था उतना ही है, इसका अमाउंट जितना है उतना ही है। तो बोल सकते हो भाई, इसको टी पॉइंट कर लेता हूं, 8 पॉइंट, एक नहीं, आफ्टर टी पॉइंट। टी पॉइंट के बाद क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। सबको समझ में आ रहा है मैं कांस्टेंट क्यों समझा है यहां पे करके? यस सर। क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं, अलाइन स्ट्रेट जा रहा है टाइम एक्सिस के, ठीक है ना भाई? और यहां पे क्या है भाई, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है भाई? प्रोडक्ट ऊपर देखो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पे देखो ऊपर ज्यादा है, तो ज्यादा है भाई। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है? कम। तो भैया हमारा क्राइटेरिया इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट, मतलब दैट मींस रिएक्शन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना भाई? तो ये हुआ ऐसे ही कैलकुलेशन, यहां पे निकालो, ये पॉइंट मान लेते हैं टी है, एक पर्टिकुलर कोई भी टाइम मतलब टी। तो इसके बाद देखो ऑब्जर्वेशन अपना, आफ्टर टी पॉइंट देखो, नोट्स बनाओ और बताओ मुझे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा या नहीं होगा, ठीक है? मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, आफ्टर टी पॉइंट देखो, नोट्स बनाओ और बताओ कंक्लूजन क्या आता है, इक्विलिब्रियम बनता है कि नहीं बनता है जैसा हमने पॉइंट बनाया, करो सॉल्व। चलो देखो सेकंड वाले में, ये पर्टिकुलर कोई टाइम है जिसके बाद तुम लोग देख रहे होगे ध्यान से कि ये पैरेलल जा रहा है, ठीक है ना, टाइम एक्सिस के थ्रू। तो एक टी टाइम के बाद या टी पॉइंट के बाद रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आर कांस्टेंट। तो अगर ये टर्म आ जाता है कांस्टेंट, तो रिएक्शन हमेशा कहां होता है? एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहां पे होगा बच्चा? एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पे देखो रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। अब थर्ड वाले में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम हो गए हैं और पैरेलल टू टाइम जा रहे हैं, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहां पे भी क्या बोलोगे? कांस्टेंट है। यहां पे भी क्या बोलोगे? कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? डेट मीन रिएक्शन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहाँ प्रेजेंट है बच्चा? इक्विलिब्रियम पे। अच्छा मैंने तीनों ग्राफ में देखना, प्रोडक्ट को जनरली ऊपर जाते हुए बनाया, देखो प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है टाइम के साथ, यहाँ भी प्रोडक्ट, एक मिनट यहाँ पे गलत कर दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना हमें, यहाँ पे प्रोडक्ट नीचे है रिएक्टेंट ऊपर है, ठीक है ना?
तो जनरली सब में मैंने एक ही जैसे किया भाई, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ? नीट का क्वेश्चन, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है ना प्रोडक्ट में, इसलिए रिएक्शन में रिएक्टेंट बनता है या प्रोडक्ट बनता है? बच्चा प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट ज्यादा होता है ना भाई, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट करता है, जरूरी नहीं है कुछ देर के बाद रिएक्शन अगर कम हो रहा है तो जनरली रिएक्टेंट जो होता है वो धीरे धीरे डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट में बनता है। इसलिए कहते हैं क्या है भाई, हम लोग प्रोडक्ट जीरो, अगर मान लो प्रोडक्ट रिएक्टेंट पे है नहीं तो जीरो से स्टार्ट होगा। इस ग्राफ के पीछे का रीजन क्या है ऐसा बनाने का ही बता रहा हूँ। प्रोडक्ट कुछ नहीं है, मतलब जीरो कंसंट्रेशन से स्टार्ट होकर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, क्लियर है ना बच्चा? और रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वो कम होकर प्रोडक्ट से नीचे आ सकता है या प्रोडक्ट से कम हुआ लेकिन उतना कम नहीं हुआ कि प्रोडक्ट से ज्यादा कम हो जाए, यहाँ पे दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो याद रखना ग्राफ के समय, और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करवाएंगे जो आ चुका है नीट में, ठीक है ना भाई, 2016 या 14 का, 15 का क्वेश्चन है वो करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ बच्चा लो। हम क्या बोले भाई, प्रोडक्ट जो है कंसंट्रेशन ये जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर दोनों कंडीशन होगा? जीरो होगा। एक दो लोग हैं और कई लोग बोलेंगे चलो तुक्का मार देते हैं दोनों सही हैं, ठीक है ना भाई। तब एक कहानी सुनो, छोटा सा कहानी क्या है मतलब इसको समझने का कॉन्सेप्ट। घर में चाय बना रहे हो, तीन चार लोग हैं जो भी आपके घर में फैमिली मेंबर समझ लो, उतने ही है, तीन लोग हैं, तीन लोगों के लिए चाय बन रहा है या चार लोग हैं चाय बन रहा है। बाहर से अचानक से कोई मेहमान आ गया दो तीन लोग बैठने, तो क्या करते हो उसके लिए अलग से चाय बनाते हो कि उसी में पानी बढ़ा देते हो? सर पानी बढ़ाते हैं। हाँ पानी डालते हैं सर, उसी चाय को चार लोग में बांट देते हैं। हाँ बड़ा कंजूसी वाला है भाई। अगर मान लो अगर मेहमान ज्यादा आ गए तो सबको एक एक चम्मच चाय पिलाओगे तुम? मैं तो वही काम करूंगा। बहुत आगे तक जाओगे बता दे रहे तो, हमारे लाला जी हो तुम तो। तो पानी तो जनरली क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा चाय का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर दूध मतलब जो भी है मिला देते हैं कि मिला देते हैं। तो आप में चाय पहले से बन चुका है, ठीक है ना भाई, या बन रहा था उसमें फिर से आप चाय बन गया मतलब प्रोडक्ट हो गया भाई। पानी मिला है वो रिएक्टेंट है, शक्कर मिला है वो रिएक्टेंट है, दूध मिला है वो रिएक्टेंट है, ठीक है भाई। तो वो सब रिएक्टेंट थे, वो मिलके चाय बना लिया, वो प्रोडक्ट हो गया हमारा। अब मेहमान बढ़ गए तो उसमें और पानी मिला, तो प्रोडक्ट पहले से था ना भाई। तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हमेशा क्या हो, जीरो हो, प्रोडक्ट जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना बच्चा। लेकिन सर रिएक्शन, जब तक रिएक्टेंट नहीं रहेगा तब तक प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा ना? अरे हाँ, अब रिएक्टेंट नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन हम बोल रहे हैं किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, लेकिन अगर रिएक्टेंट अगर थोड़ा सा है तो प्रोडक्ट हमेशा जीरो हो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना भाई। प्रोडक्ट पहले से भी तो हो सकता है ना, जिस कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट पहले से बना हो। तो भैया रिएक्टेंट यूज किया मतलब प्रोडक्ट होगा ही, और प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट हमेशा जीरो, प्रोडक्ट जीरो से ज्यादा भी हो सकता है। तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन कराने वाले पे डिपेंड करेगा, क्लियर है? यस सर। टाइम के साथ ये जो लाइन है ये कर्व है इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट है, और ये क्राइटेरिया मिला मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो इसको रटना नहीं है, समझना है, और समझने के लिए कौन सा पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला, ये वाला क्राइटेरिया मिला मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अब सेकंड केस कोई बता सकता है, पहला कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्टेंट है तो सेकंड केस में किसके बीच ग्राफ देखेंगे? लास्ट में आज रिवाइज कर रहा था तो वहां पे एक हिंट दिया, तो मतलब लास्ट पॉइंट है उन्हीं पॉइंट से ग्राफ बन रहा है। कौन कौन सा पॉइंट था लास्ट में?
एक कंसंट्रेशन वाला पॉइंट तो ले लिया हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। हाँ वो तो कंसंट्रेशन वाला हो गया, दूसरा कौन सा पॉइंट होगा जो इक्विलिब्रियम को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कुछ स्पीड दौड़ भाग रिएक्टेंट में बनने प्रोडक्ट पे रिएक्शन करता है। इतना हिंट दे दिया फिर भी नहीं बता रहे हो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हाँ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, केस 2 में ग्राफ किसका दिया होगा क्वेश्चन में, रेट का किसके साथ, टाइम के साथ। तो मैं ग्राफ बना के रख दे रहा हूँ ठीक है ना, और तुमको बताना है कि किसमें आपका इक्विलिब्रियम है किसमें नहीं है या सभी में इक्विलिब्रियम है ठीक है। और रेट अगर रहता है तो क्या देखते हो भाई, दोनों कांस्टेंट होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन कांस्टेंट होना चाहिए या बराबर होना चाहिए या फिर दोनों, बराबर होने चाहिए, बराबर होना चाहिए ठीक है ना, ये कंडीशन है। तो ये टाइम एक्सिस है वैसे ही भाई जैसा पहले ग्राफ में था, अब वही अप्रोच के साथ रेट के लिए आर रेट के लिए तो रेट हो गया। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जीरो से ऐसे बना लेते हैं, एक ग्राफ ऊपर एक ग्राफ नीचे। तो कौन कौन से है भाई, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब तीन ग्राफ हैं, तीनों में इंडिकेट कर दिया कौन सा कर्व किस रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब तुमको बताना है कौन सा इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन जब पूछूंगा तब नोट करो। तो रेट ऑफ रेट वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे देखो रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक टाइम टी के बाद कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है क्या इनमें, नहीं ना, पहले कांस्टेंट है, शायद यहाँ पे भी कांस्टेंट है, लास्ट वाले में भी क्या है कांस्टेंट है, यहां तक इसे कोई तकलीफ है क्या, ये सब देख लिए, देख लिए ना सब। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों सेम है क्या? नो सर, नो सर, नो सर। भाई बैकवर्ड डायरेक्शन वाला, यहाँ पे रेट कौन सा ज्यादा बड़ा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, दोनों का इक्वल इसमें थी, इक्वल वाला मतलब रिएक्शन इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, बाकी के ऊपर दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे क्या बच्चा? No. Not present at equilibrium. Present at equilibrium. तो कोई रटने वाला कैसे, क्या रटना क्या है, बस दो क्राइटेरिया, पहला क्या प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, सेम नहीं कांस्टेंट होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए सेम, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है वो दोनों क्या होना चाहिए सेम, जो कि थर्ड वाले मिला। तो थर्ड वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम को, करो नोट डाउन बच्चा लोग। अभी रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया तो आपको ये क्राइटेरिया देखना है, अब प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन का, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का दिया है, तब कौन सा क्राइटेरिया सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए कांस्टेंट ठीक है, तब कौन सा देखोगे कांस्टेंट वाला टर्म्स। इस तरह से आप बता सकते हो इक्विलिब्रियम है कि नहीं रिएक्शन में। कल ये नोट बच्चा एक क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, नीट का ही है बेटा, क्वेश्चन नोट करना,
which representation is correct for equilibrium in given reaction? Which representation is correct for equilibrium in given reaction? Which representation correct for equilibrium in given reaction? सब में पहला है ना भाई. Which reaction is correct for equilibrium in given reaction? तो reaction given है N2 plus 3H2 equal to 2NH3 बन रहा है. जैसे बताना कौन से इक्विलिब्रियम को करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी या फिर ए एंड सी दोनों. स्टार्टिंग में हिंट दिया तो वो हिंट से बनेगा भाई. रिएक्टेंट ऊपर जाना चाहिए या प्रोडक्ट ऊपर जाना चाहिए? प्रोडक्ट तो होगा नहीं. अब बचता ए और सी, तो दोनों सही है या दोनों में से कोई एक? दोनों सही है. इसका मूल कितना है? 3. इसका मूल कितना है? 2. अब बताओ कौन सा सही होगा? कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी नॉर्मलिटी ये सब है भाई, तो उसमें मोल ऊपर होता है या नीचे होता है? मोल जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा. तो एंड हाइड्रोजन का मोल किसमें ज्यादा है भाई? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर में है, नाइट्रोजन नीचे में है. यहाँ पे नाइट्रोजन ऊपर में है, हाइड्रोजन नीचे में है. तो ए करेक्ट होगा क्या? नो. तो सर बी करेक्ट है, सी करेक्ट है. तो सी वाला सही है सर. भाई 3, तो हाइड्रोजन वाला लाइन क्या होना चाहिए? पॉइंट ऊपर से आना चाहिए. रिपीट कर रहा हूँ, मोल से ऑप्शन चेक करके तो आंसर सी आएगा. मोल हाइड्रोजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम, इसलिए नीचे आ रहा है. ठीक है ना. और देखो अमोनिया का मोल 2 है, तो नाइट्रोजन से ऊपर होगा और हाइड्रोजन से क्या होगा? नीचे. एग्जैक्ट यहाँ बीच में ऐसा होना चाहिए था, बट ऊपर नीचे चलता है थोड़ा सा. लेकिन ये इस तरह से आपको देखना है, H2 ऊपर होगा N2 नीचे होगा. इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? सी. तो उस दिन भी एग्जाम में कई लोग यही अप्रोच लगा के डी ऑप्शन पे टिक करके आए होंगे. क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है ना बच्चा लोग. जो आपने अभी तक समझा उसी को अप्लाई करना था, लेकिन स्मार्ट वे में. इसी को बोलते हैं पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि छोटे छोटे चीजें हमने अभी क्वेश्चन था तो बता दिया, लेकिन ये सब चीजें अपने से दिमाग में होना चाहिए. N2 का मोल यहाँ पे दोनों में फर्क क्या पहले वो देखा करो. अरे यार यहाँ नाइट्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन से यहाँ नीचे है, शायद यहाँ पे 3 मोल है, शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए सी आंसर पे टिक कर देते हैं. ये सब सोचा करो. ठीक है ना बच्चा लो. अगर जब बोथ ऑप्शन देता तो देखा करो ये बोथ ऑप्शन में दोनों में अलग क्या है, और उस अलग के पीछे का रीजन मतलब कंक्लूजन देखा करो, तब जाके चीजें स्टोरी दिमाग में बैठेगा. क्लियर है? आंसर सी बनने के पीछे का लॉजिक क्या है? क्लियर है भाई? हाइड्रोजन का मोल ज्यादा है. तो ये था ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, कल आगे कंटिन्यू करेंगे. आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त.